मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने किंघाई तिब्बत पठार क्षेत्र के लिए अपना पहला 5G बेस स्टेशन खोला है। टेलीकॉम फर्म चाइना मोबाइल की सहायक कंपनी किंघाई के अनुसार यह सेवा पिछले हफ्ते जियांग प्रांत के शिनिंग शहर में खोली गई थी। किंघाई का उच्च ऊंचाई वाला प्रांत बुनियादी ढांचे के निर्माण में पिछड़ गया है। अप्रैल 2018 में स्थानीय सरकार ने 5G नेटवर्क जैसी नई वायरलेस तकनीकों को विकसित करने का वादा किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रांत तेजी से इंटरनेट की गति के लिए वर्चुअल रियलिटी और टेलीमेडिसिन जैसी सूचना सेवाओं की पेशकश करने की योजना बना रहा है। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि 5G सेवा से किंघाई के तिब्बती आबादी वाले क्षेत्रों और देश के बाकी हिस्सों के बीच संचार में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे उनकी सूचना सेवा अंतराल बंद हो जाएगी। शुक्रवार को दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में ग्वांगझुबाईयुन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 5G बेस स्टेशन शुरू किया गया, जिसकी औसत डाउनलोड स्पीड 1.3 Gbps गीगाबाइट प्रति सेकंड है, जो कि 4G सेवा से 10 गुना है, जिससे यह देश का पहला 5G कवर हवाई अड्डा बन गया है। अगर आप ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।